टोल प्लाजा बन चुका है, ये बन चुका PQC है। वो हो रहा है, DLC हो रहा है। डीएलसी हो रहा है। डोबी की तरफ अगर आप बढ़िएगा मगर यूनिवर्सिटी से, तो इसी जगह पर टोल प्लाजा टोल टैक्स बनने वाला है 83NH प्रोजेक्ट का। तो भैया 83NH का और कहीं प्लाजा ही टोल प्लाजा बनेगा आपका? एक आपका यहाँ पर हो गया, डोबी में हो गया, ये हो गया भाई, डोबी वाला हो गया आपका, इधर वहां पड़ता है। इसके बाद एक जहानाबाद में टोल प्लाजा है, एक टोल प्लाजा जहानाबाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम हैं बोध गया दुमहान के नियर में 83NH पर, जो गया डोभी पटना जा रही है। तो दोस्तों आज का अपडेट हम देंगे टोल प्लाजा का, जो इस रोड पर बन रहा है 83NH पर, बन रहा है गया में। तो कहाँ पे बन रहा है, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं, देख सकते हैं इस रोड की खूबसूरती की, बहुत जल्द ये बनकर तैयार होने वाला है। यही है बोधगया दुमहान और यहीं से ओवरब्रिज जो है उठ जाएगा और गया शहर जो रोड जाती है और बोधगया तरफ रोड जो अंदर जाती है उसके ऊपर ऊपर ये रोड जो है पार होने वाला है 83NH। तो यही है दुमहान। अभी हम आपको ले चलेंगे टोल प्लाजा कहाँ पे बनने वाला है, कहाँ पे बनेगा। तो हम लोग को चलना है डोभी तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग 83NH पे चल रहे हैं और हम लोग डोभी की तरफ चल रहे हैं 83NH पर। देखिए काम जो है 83NH का चल रहा है। यहीं पर मगध यूनिवर्सिटी है, जो तो आपको गेट दिख रहा है वो मगध यूनिवर्सिटी है। बोध गया मगध यूनिवर्सिटी। अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे 83NH पर, टोबी की तरफ चलते रहेंगे। तो दोस्तों यहीं पर टोल प्लाजा बनेगा मगध यूनिवर्सिटी से जस्ट बगल में डोभी की तरफ 1 किलोमीटर जो है डोभी की तरफ अगर आप बढ़िएगा मगध यूनिवर्सिटी से, तो इसी जगह पर टोल प्लाजा टोल टैक्स बनने वाला है 83NH प्रोजेक्ट का। तो देख सकते हैं काफी एरिया है इस जगह पर, जमीन लिया गया है इस रोड का। ये जो यहाँ पे एरिया है काफी बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं। जय हिंद पब्लिक स्कूल का 2nd ब्रांच यहीं पर है, यही काम कर रहे हैं चाचा जी। तो यहीं पे टोल टैक्स बनने वाला है। तो कितना दिन में ये काम इसका कंप्लीट होने वाला है कुछ वो बता सकते हैं? ये बताएंगे कितने दिन में ढांचा दिखने वाला है टोल प्लाजा का, कुछ आइडिया? उसमें टोल प्लाजा बन चुका है, PQC है। अच्छा हाँ, वो हो रहा है, DLC हो रहा है। DLC हो रहा है जी, इसमें लग जाएगा अभी कम से कम 2 महीना 3 महीना, 2-3 महीना में ये जो है कुछ दिखने लगेगा। क्या कि टोल प्लाजा का PQC जो बन गया जी, बस अब वो DLC हो चुका है और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बनेगा, फिर उसके बाद और टाइपर थोड़ा बचा हुआ है उसके बाद जी। एरिया कितना लिया गया टोल प्लाजा का? टोल प्लाजा है आपका 111,400 से लेके आपका 110,900 चैनेज होता है हम लोग का। अच्छा जी, काफ़ी एरिया में टोल प्लाजा बन रहा है। तो यही है यहाँ पर टोल प्लाजा बनेगा। आपको टोल प्लाजा का जानकारी आज दिया हूँ, जो डोभी गया पटना जा रही है तो आपको यहीं पे टोल प्लाजा लगेगा। एक चीज़ और भैया से पूछेंगे हम, भैया 83NH का और कहीं प्लाजा ही टोल प्लाजा बनेगा आपका? एक आपका यहाँ पर हो गया, डोभी में हो गया, ये हो गया भाई, डोभी वाला हो गया आपका, इधर वहां पड़ता है। इसके बाद एक जहानाबाद में टोल प्लाजा है, एक टोल प्लाजा जहानाबाद। जहानाबाद तो यहाँ से पैकेज थ्री है पैकेज टू जहानाबाद है, पैकेज 1 आपका पटना वाला है। मसौड़ी से पैकेज 1 स्टार्ट हो जाता है, फिर मसौड़ी के बाद पैकेज 2 स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका चाकन हुआ ना, चाकन से वहाँ पैकेज 3 स्टार्ट हो जाता है। तो ये पटना पहुँचते पहुँचते 3 टोल प्लाजा पड़ जाएगा गया से? हाँ गया से नहीं, 2 टोल प्लाजा रहेगा, दो टोल प्लाजा। हाँ, एक आपका ही वाला हो गया, आपका गया वाला हो गया, अब एक आप जहानाबाद में बन रहा है टोल प्लाजा। बस
धन्यवाद धन्यवाद भैया। दोस्तों आज का अपडेट टोल प्लाजा का कि 83NS का जो गया डोबी से पटना जा रही है उसमें टोल प्लाजा कहां कहां बनने वाला था, एक अपडेट आपको बता दिया। गया का जो टोल प्लाजा जो है गया मगन यूनिवर्सिटी के बगल में बनेगा, डोबी से जब आप निकलिएगा तो मगन यूनिवर्सिटी से पहले आपको टोल प्लाजा मिल जाएगा। तो एक टोल प्लाजा यहाँ बनेगा और दूसरा टोल प्लाजा जहानाबाद में बन रहा है। टोल प्लाजा का जो है एरिया काफी बड़ा ही होता है। तो आज का अपडेट यहीं तक दोस्तों, मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।